सीबीएसई के द्वारा आज 10th एंड 12th के बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं कर लेने का कोरोना के इस महामारी में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन स्वागत करता है। लेकिन जिस तरह से ये घोषणा की गई कि 12th के बच्चों को एग्जामिनेशन देना है, उसके लिए जून में निर्धारित किया जाएगा सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन 10th को प्रमोट कर देना है, सीधे उनके एग्जामिनेशन को कैंसिल करना है, ये बिल्कुल आज के परिवेश में उन पेरेंट्स और उन बच्चे को शोभा नहीं देता है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा टॉप करेगा और देश में नाम करेगा, और बच्चे भी मेहनत करते हैं, कंपटीशन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम अच्छा कर करके अपने रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को और देशवासियों को दिखाएंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पूरे 10 साल का मेहनत एक सेकंड में सीबीएसई ने चकनाचूर कर दिया उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इसकी निंदा करती है, और जिस तरह से 9th में भी बच्चों ने नहीं पढ़ा था, 11th में भी बच्चों ने नहीं पढ़ा था, 2020 में पैंडेमिक 19 को लेकर के काफ़ी परेशानियां थी, स्कूल बंद थे, टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो बच्चों के पास नेट नहीं था, मोबाइल नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर यही एग्जामिनेशन सीबीएसई ने जो जून मई जून करने का जो निर्णय लिया था, ये अगर पिछले मार्च में ही हो जाता जैसे बिहार बोर्ड ने किया था, तो मुझे लगता है कि बच्चे एग्ज़ाम दे लेते और अब रिजल्ट आने का समय आ जाता। फिर से एक बार सीबीएसई के इस फैसले पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, या फिर भारत सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े, कॉम्पिटिटिव बने और देश का नाम रोशन करें। इसी तरह अगर बच्चों को प्रमोशन करते दिया गया बिना एग्जामिनेशन के, तो एक दिन ना कोई अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ना कोई अच्छे इंजीनियर बनेंगे और ना ही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। शमाइल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन।